ओके सो ये जो चैप्टर वह फर्स्ट है ना अपना, उसमें जो डिफ्लेक्शन होता है बार्स जब सीरीज में देता है या पैरेलल में दे देता है, तो उनके जो है ना कंडीशंस बताता हूँ मैं इसमें, बाद में न्यूमेरिकल कराऊंगा और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एंड उसके बाद में जो है ना आपको कई केसेज हैं बार्स के डिफ्लेक्शन के जो बताता हूँ मैं, एंड फिर उसके न्यूमेरिकल करेंगे अपन ईजिली। तो देखिए अगर बार सीरीज में दे देता है तो देखिए ये लोड जो है ना वो हर एक सेक्शन पे सेम रहने वाला है। लेट्स से ये आपकी बार है, रोड है, कुछ भी है, प्रिस्मेटिक रोड है, यहाँ पे इसने लोड पी लगा के रखा है, यहाँ पे लोड पी लगा के रखा है। अब क्या होगा, आप ये सेक्शन ले लीजिए, अगर मान लीजिए अलग टाइप के मटेरियल का बना के रखा है उसने, या इसका एरिया डिफरेंट है या इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो इसमें जब आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे डेल्टा एल, वो अपने को पता ही है पी एल अपॉन ए ही रहता है। ये कैसे आया ये आपको पता ही है, किस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, उस वाले से आया है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें कि जो पी है ना वो तीनों बार्स में सेम है रहने वाला है, पी वन इजक्ल टू पी टू इजक्ल टू पी, एंड जो डिफ्लेक्शन है ना वो हर एक बार का जुड़ के टोटल डिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएगा। देखो यार सिंपल है, बहुत सिंपल है, देखो इसको खींचा ये कुछ बढ़ेगा, फिर ये दूसरा सेक्शन है इसको खींचा ये बढ़ेगा, फोर्स सेम लग रहा है सभी को, तो ये बढ़ेगा, तो इनका जो सबका जो ये डिफ्लेक्टेड यानी जो ये इंक्रीज जो एलोंगेटेड पार्ट है ना ये सब जुड़ जाता है और वो टोटल डिफ्लेक्शन के बराबर लिख सकते हैं। फिर ये वाला केस आपका अगर एरिया डिफरेंट डिफरेंट दे दे, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ डिफरेंट दे दे, तो आप तीनों का अलग अलग निकाल के ऐड कर दें। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, कुछ नहीं होता। बार्स इन पैरेलल, अब देखो ये एक बार है मान लो स्टील की है, ये एक कॉपर की बार, इन दोनों को इसने रिजिडली जोड़ दिया इधर, उसके बाद में ये बोल रहा है कि मेरे को ये पी लोड लगा के खींचनी है। मेरे को एक बात बताओ, जब ये दोनों रिजिडली ज्वाइंट हैं तो जब ये खींचेगी स्टील वाली तो साथ में कॉपर वाली भी खींचेगी ना, और उतनी खींचेगी क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि रिजिडली ये दोनों इस एंड पे है ना। देखो मैं आपको अच्छे से, सो देखो बार्स इन पैरेलल का केस देखते हैं, ये देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता हूँ। ये लेट से स्टील की है एंड ये कॉपर की है, एंड ये मैंने फोर्स लगा रखा है पी। अब मान लो इनका जो है ना ई अलग अलग है, यानी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों का अलग अलग रहता है, बट ये रिजिडली फिक्स्ड है। तो रिजिडली फिक्स हैं तो अगर फोर्स पी लगाऊंगा तो इनमें जो डिफ्लेक्शन होगा ना डिफ्लेक्शन सेम रहने वाला है इन दोनों में, क्योंकि एक को खींचूंगा तो दूसरा साथ खींचेगा, हालांकि उसमें स्ट्रेस कम या ज़्यादा हो सकता है उसके यंग मॉडुलस के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट डिफ्लेक्शन सेम होगा। ये हम कॉमन सेंस से लिख रहे हैं यहाँ पे और इसमें कोई इंजीनियरिंग नहीं है। सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक ये बार है लेट से एंड एक ये बार है, दोनों को ऐड कर रखा है, रिजिडली ज्वाइंट है, फोर्स पी लगा के खींच रहा हूँ, ये स्टील की है ये कॉपर की है, तो दोनों रिजिडली फिक्स्ड है यहाँ पे, तो जब पी से खींचूँगा तो दोनों साथ खींचेगी, दोनों में डिफ्लेक्शन सेम आने, तो अपने पास एक कंडीशन ये होगी। अब ये कंडीशन हो गई तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं इसका, हम ये कर सकते हैं कि डेल्टा एल वन जो है ना वो पी एल ए ई हो जाता है, पी एल ए ई, जहाँ पे पी जो है ना पी वन, देखना इसमें एक चीज़ देखना, इसमें एक पी, इसमें जो लोड शेयर होगा ना टोटल लोड का वो दोनों में बराबर तो नहीं हो सकता लोड शेयर, क्योंकि दोनों का मटेरियल अलग अलग है, ठीक है, मटेरियल अलग अलग है तो यंग मॉडुलस अलग अलग रहेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि इसके जो द्वारा लोड शेयर है बाय दिस एंड ये दोनों का लोड शेयर, सेम लोड शेयर नहीं होता है, दोनों का अलग अलग लोड शेयर होता है, अगर इनका एरियाज भी डिफरेंट दे देता है तो उस पर भी डिपेंड करता है बस। तो हमारी ये फर्स्ट कंडीशन आ गई, इसको पी टू एल टू अपॉन में ए टू ई टू कर देंगे। अब आपका जो है ना एल सेम ही रहता है, एरियाज दिया रहता है, ई दिया रहता है, और पी वन एंड पी टू में एक रिलेशनशिप आप बना लोगे, ठीक है, इस दो कंडीशंस से पी वन एंड पी टू में आप रिलेशनशिप बना लोगे। अब आपके पास क्या हो गया,
और एक रिलेशनशिप आपका यहाँ से आ गया, पी वो दे के रखेगा कि 50 किलो न्यूटन से मैं खींच रहा हूँ, तो पी वन एंड पी टू में रिलेशनशिप यहाँ आ गया, आप यहाँ डाल दोगे इसको, आप एक उसमें पी आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्टली स्ट्रेस पूछता है कि उसमें स्ट्रेस जनरेट कितना हुआ, तो देखो तब तो कुछ दिक्कत नहीं है, पी वन अपॉन ए वन, यह क्या रहता है, सिग्मा वन रहता है ना, ये सिग्मा वन, ठीक है ना, और एल वन एंड ई वन इज इक्वल टू सिग्मा टू एल टू ई टू ई टू। अब एल तो सेम रहता है दोनों का, क्योंकि रिजिडिटी और दोनों बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ बराबर है, तो अब क्या हो गया कि आप डायरेक्टली सिग्मा वन ई वन ऐसे लिख सकते हो, आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, सिग्मा वन ई वन इज इक्वल टू सिग्मा टू ई टू, एंड डायरेक्टली आप स्ट्रेस का रिलेशनशिप बता दो कि कौन से में स्ट्रेस ज़्यादा है, ठीक है, वो ई के ऊपर डिपेंड हो गया, ओके। तो ये दो रिलेशनशिप है ना, ये दो रिलेशनशिप से आप काफ़ी कुछ कैलकुलेट कर सकते हो बार्स इन पैरेलल में, एंड बार्स इन सीरीज में ये रिलेशनशिप एंड ये सॉरी ये वाला आप कैलकुलेट कर सकते हो काफ़ी कुछ, ठीक है। आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप इजीली देखो आपके समझ में आएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कुछ नहीं है, ये बार्स इन सीरीज ये, बट क्या है बीच बीच में ना वो एक फोर्स ना लग के अलग अलग फोर्स लगा हुआ है, अलग अलग फोर्स लगा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में चलना है, राइट हैंड साइड में इस प्लेन के ऊपर जितना लगा हुआ है ना, इस पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है ना, आपने 90 लगा दिया, ये प्रीवियस ईयर ईएससी का क्वेश्चन क्वेश्चन है, ठीक है ना। जितना आपने इस साइड में लगाया ना, तो बैलेंस के लिए आप उतना का उतना, देखो उतना का उतना आप इस साइड में लगा दोगे, ठीक है, 90 लगा दिया, और जैस और ये देखो टेंशन में ना, तो आप उतना का उतना फिर आप टुकड़ा टू लो, मतलब ये वन था ये टू था ये थ्री था, आप टुकड़ा टू लो, टुकड़े टू पे आप जितना आपने इधर ऐसे टेंशन में लगाया था, टेंशन में आप एक काम करो 9 लगा दो। अब क्या करोगे, अब आपका काम हो गया ख़त्म, अब आप इस प्लेन पे जाओगे सेकंड नंबर पे, देखो कौन से पे जाओगे, अब सेकंड नंबर का कौन सा प्लेन है, ये फर्स्ट नंबर का था, फर्स्ट नंबर का फर्स्ट कलर से कर देते, ये फर्स्ट नंबर का था, ये सेकंड नंबर का, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने 9 तो लगा दिया था, बट ये 2 लगा हुआ है ना इस पे कंप्रेसिव, तो 2 को आपने ऐसे लगा दिया, 2 कंप्रेसिव लगा दिया, तो इफेक्टिवली आपका 7 टेंशन में हो जाएगा, क्योंकि 9 आपका टेंशन में 2 कंप्रेसिव में, तो इफेक्टिवली आपका इस प्लेन के ऊपर 7 हो जाएगा। जब हमारा इस पे 7 आ गया टेंशन में, तो हम इधर भी 7 टेंशन में कर देंगे, ठीक है, आपका नंबर 2 हो गया। अब क्या है, आप टुकड़े 3 मतलब ये 3 जो है ना सेक्शन नंबर 3 पे आओ, आपका 7 जो यहाँ पे ऐसे लगा था, एक बात ध्यान रखना, जो पहले जिस डायग्राम में जैसे ये सेक्शन 2 में जैसा था टेंशन में था, ऐसे कैसे 7 ऐसे लगा दो, फिर देखो कि उस पर्टिकुलर प्लेन पे, अब मैं सभी प्लेन्स को अलग अलग कलर से कर रहा हूँ, ये थर्ड नंबर प्लेन है, ठीक है ना, ये थर्ड नंबर प्लेन है और ये यहाँ पे थर्ड नंबर है। अब मैं थर्ड नंबर कैलकुलेशन चालू करता हूँ, देखो देखो 7 था, 3 और लगा दिया मैंने, ठीक है, 3 और लगा दिया, 10 हो गया टोटल। अब मेरा लास्ट में अगर मैं कैलकुलेशन सही करते हुए आया हूँ ना, तो ये जो है ना, ये मेरा जितना यहाँ पे आ रहा है उतना ऑटोमेटिकली इधर आएगा, तो मेरा 10 आ रहा है, तो मतलब मेरी कैलकुलेशन सारी ओके है, ठीक है। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है, ये कोई बार है, लेट्स से 3 इसमें डिवाइड है, यहाँ पे लेट्स से 5 है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से 7 है, ये प्रीवियस ईयर जो ईएससी का हमने किया था ना वही ले लेते हैं, चलो अभी जो अभी किया था ना ये ईएससी का स्टैंडर्ड, एक क्वेश्चन भी साथ साथ हो जाएगा, ठीक है ना। इसने यहाँ पे 9 दे के रखा था, ठीक है, और यहाँ पे 2 दे के रखा था, 2T, और यहाँ पे 3T दे के रखा था इसने टेंशन में ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे 10T दे के रखा था, 10T। अब आपको ये 1 लेने ना, ये 2 मान लेना है, ये 3 मान लेना है। अब मैं खाली 1 लूँगा, 1 में मैं राइट हैंड साइड से चलूँगा, मैं देखूँगा कितना लगा हुआ है, 9, इधर भी मैं 9 लगा दूँगा, 1 का काम ख़त्म हो गया। अब मैं 2 ले लूँगा, 2 में कितना लगा हुआ है इस पर, 9। अब मैं देखूँगा कि ये जो मेरा सेक्शन 2 है ना, ये मैं अलग कलर के पेन से आपको बता देता हूँ, ठीक है, देखो
ये सेकंड नंबर का है। सेकंड नंबर पे मेरा कितना लगा हुआ कंप्रेसिव में, देखो ये 2 लगा हुआ था ना कंप्रेसिव में, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में देखा था 2 लगा हुआ था ना, तो इफेक्टिवली कितना हो गया टेंशन में, ये 9 टेंशन में है एंड 2 कंप्रेसिव में, तो इफेक्टिवली टेंशन में 7 हो गया, तो यहाँ पे 7 लगा दो बस, ये भी ये 2 का भी काम खत्म हो गया। अब मैं 3 नंबर पर आ जाता हूँ, अलग कलर के पेन से ले लेते हैं हम, अलग कलर के पेन से ले लेते हैं हम, ये मेरा 3 आ गया। अब मेरा 7 लगा हुआ था किस पे, इस पर्टिकुलर इस पे क्योंकि मैंने यहाँ से जो 7 था ना वो उठा के यहाँ लगा दिया। अब जो यहाँ पे पहले से कितना लगा हुआ था 3T, तो 3T लगा दिया मैंने 3, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, पूरे 10 आ गया। ओरिजिनली यहाँ पे 10 ही था, मतलब हमारा लास्ट में अगर ये 10 आ गया और यहाँ पे ओरिजिनली 10 था ना, हमारा जो कैलकुलेशन है मतलब वो परफेक्टली फाइन है। ठीक है, समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक बार और क्वेश्चन के साथ साथ बता दूंगा मैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ कर रहे थे ना हम, देखो दोबारा करते हैं, एक बार लास्ट टाइम बताता हूँ मैं, ये थर्ड टाइम हो जाएगा, 2 टाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले क्या करना होता है, ये 9 उठाओ, ये सेक्शन 1 उठाओ, ये सेक्शन 1 को यहाँ लिखो, 9 को यहाँ पे लगा दिया, और सेम टेंशन में, अगर टेंशन में है तो टेंशन की टेंशन में 9, फिर ये सेक्शन नंबर ये उठाओ, प्लेन नंबर 2 ये उठा के यहाँ पे, जैसे इधर 9 लगा था ना अपना, तो इधर के इधर फिर से 9 लगा दो, फिर उस पर देखो कि उस प्लेन पे तो 2 और कंप्रेसिव लगा हुआ है, 2 और कंप्रेसिव लगा हुआ है, तो इफेक्टिवली कितना हो गया टेंशन में, 7 हो गया, तो 7 यहाँ पे बच जाएगा। अब क्या करो, आप थर्ड सेक्शन पकड़ो, थर्ड सेक्शन में सीधा पहले 7 तो टेंशन में लगा दो डायरेक्टली, क्योंकि ये टेंशन में लगा हुआ है, सीधा टेंशन में लगा दो, उसके बाद में देखो कि जो 3 है ना ये और टेंशन में, तो टोटल 10 टेंशन में हो गया, तो इधर 10 भी 10 आ जाएगा, और ओरिजिनली ये अपना 10 था यहाँ पे, समझ गया। ये यहाँ पे अलग अलग, पहले फर्स्ट सेक्शन लो, फर्स्ट सेक्शन में जैसे मान लो राइट हैंड पे लो, राइट हैंड पे जितना लगा उतना को उतना लगा दो, उतना को उतना लगाने के बाद में उसके लेफ्ट हैंड पे भी उतना को उतना लगा दो, उसके बाद में नेक्स्ट प्लेन पे जाओ यानी सेकंड सेक्शन लो, सेकंड सेक्शन का जो राइट हैंड का साइड है ना उस पे जितना यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन पे हमारे लगा था टेंशन था कंप्रेसिव था कैसा था वैसा का वैसा लगा दो उधर, उसके बाद में देखो कि ये पर्टिकुलर जो प्लेन है उस पे कितना लगा हुआ, जैसे यहाँ पे कंप्रेसिव 2 है और 90 हमने ऊपर से लिया था, तो टोटल इफेक्टिवली 70 बचेगा, फिर जैसा हमारा एक राइट का साइड का फिक्स होगा लेफ्ट में अपने आप उतना का उतना सेम लगाना, नहीं तो क्या होगा कि एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, क्योंकि तभी तो इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट होगा, अगर यहाँ पे 3 लगा दे तो इस 3 लगा दे तो क्या होगा, इस साइड में भगना स्टार्ट कर देगा ना, समझ गए, कोई स्ट्रेस तो जनरेट ही नहीं होगी इसमें, भगना स्टार्ट कर देगा वो, तो हमें तो भगाना नहीं है ना, तो इसीलिए देखो यहाँ पे 9 9, फिर यहाँ पे फिर से 9 लगा दिया, तो यहाँ पे कंप्रेसिव था तो इफेक्टिवली 7 बचा, फिर ये 7 लगा दिया, फिर से यहाँ पे 7 लगा दिया, फिर उसके बाद में 3 था टेंशन में तो वो 3 वो लगा दिया, फिर टोटल 10 हो गया। ठीक है, यही बात है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है और कुछ नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो कुछ नहीं है। ठीक है, ओके 1 सेकेंड, अब मेरे को एक बात बताओ, ये प्रिंसिपल सुपरपोजिशन में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत होगी क्या, जब हमारे पास सारे उनके फोर्सेज आ चुके हैं तो टोटल डिफ्लेक्शन तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, यहाँ पे PL अपॉन AE लगाओ, यहाँ पे PL अपॉन AE लगाओ, यहाँ पे PL अपॉन AE लगाओ, तीनों का डिफ्लेक्शन जोड़ दो, DL इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 डेल्टा L3 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना फोर्स सब पे अलग अलग है, क्योंकि यहाँ बीच में अलग अलग फोर्स लगा रखे हैं उसने, ठीक है, और उन सबका वो ई या एरिया दे के रखेगा। ठीक है, हमें क्या दिक्कत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन निकालने में कोई इशू नहीं रहेगा इसमें, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद एक केस 2 है, इसमें भी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। देखो क्या होता है, दोनों साइड से बार को बंद करके रखिए, बीच में पी फोर्स लगा के रखा है, ठीक है, इस साइड से बार को फिक्स करके रखा है, बीच में पी फोर्स लगा के रखा है। अब आपको बोलेगा स्ट्रेस जनरेशन के लिए, आपको कुछ भी पूछ सकता है इसमें, तो हमें एक चीज़ का पता रखना है कि यहाँ पे जब रिएक्शन जनरेट होगी ना तो एक्शन के अपोजिट होती है, और ये भी रिएक्शन जनरेट होगी, ये भी एक्शन के अपोजिट होगी। तो मेरे को एक बात बताओ, आपने प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा है फोर्सेज का, ये एक सेंटर लाइन है, इस पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, तो मैं ये कह सकता हूँ ना, फ्री बॉडी डायग्राम जो इसका बना लूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि इसका जो RA RB इजक्ल टू P हो जाएगा। देखो कोई भी जो है ना, इन सब फोर्सेज का सम किया है मैंने और कुछ नहीं किया है,
फिर उसके बाद में जैसे मान लो फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, तो देखो यहाँ पे क्या होगा ना, ये आर ए इस साइड में लगा हुआ है, आर ए इस साइड में लगा दिया, उसके बाद में आर बी, आर बी इस पर कंप्रेसिव है एंड आर बी इस पर कंप्रेसिव है, ठीक है, ये आर बी, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद की बात है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, होता क्या है कि इस पर होगा डिफ्लेक्शन डेल्टा एल वन एंड इस पर होगा डिफ्लेक्शन, क्या डिफ्लेक्शन होगा इस पर, माइनस का तो प्लस का, देखो मैं बताता हूँ जस्ट वन सेकेंड, ये जो है ना ये कितनी डिफ्लेक्ट होगी डेल्टा एल वन, ये कितनी डिफ्लेक्ट होगी माइनस डेल्टा एल टू, और टोटल डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा जीरो। तो मैंने डिफ्लेक्शन को सम कर दिया एंड फोर्सेज का सम किया और कुछ नहीं किया है। आप ये चीज़ पकड़ लो, ये टोर्सनल में भी मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पे रिजिड, जहाँ पे दोनों साइड से इसको बांध दिया ना इसने, फिर फोर्स भी लगा रहा है। अब ये तो बीच में आप कितना भी फोर्स लगा लो, क्या इस दीवार को तोड़ के जाएगी क्या ये? देखो मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, अलग कल सा कलर लेते हैं थोड़ा सा ठीक लगेगा, ठीक है। इसने बोला यहाँ पे पी फोर्स लगा दिया और इसने बोला कि ये वो है रिजिड करके रखी इसको। अब हमारी जो क्या है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर जो रिएक्शन कौन से साइड डायरेक्शन में लगेगी, इधर आर ए लगेगी, क्यों, क्योंकि उसके एक्शन, ये फोर्स पी इधर लगा है, फोर्स पी इस डायरेक्शन में लगा है तो रिएक्शन इसी डायरेक्शन में लगेगी ना, और आर बी, आर बी ऐसे लगेगी। तो आप जब फोर्सेज का सम करोगे तो आर ए प्लस आर बी, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में, इज इक्वल टू पी हो जाएगा। एक कंडीशन आपके पास ये आ गई, अब आप इसको कैसे भी खेलो। उसके बाद में जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लोगे इसका, तो ऐसे बनेंगे एक डायग्राम ये, एक डायग्राम ये, आर ए, आर ए क्योंकि ये टेंशन में, आर बी एंड आर बी कंप्रेसिव में। अब इस पे डेल्टा एल वन आएगा, इस पे डेल्टा एल टू आएगा, दोनों का सम कर दो और इक्वल टू जीरो रख दो। क्यों इक्वल टू जीरो रखे, क्यों इक्वल टू जीरो रख रहे हैं ये सोचो आप पहले, ये मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों इक्वल टू जीरो रख रहे हैं। देखो ये दीवार है, ठीक है, पेन नहीं चल रहा, देखो ये दीवार है, पेन नहीं चल रहा है, मोटा हो गया पेन, ये देखो ये दीवार है, ये दीवार कहाँ बन चुकी है, एक दीवार ये है, एक दीवार ये है, ये वाली, ठीक है ना, ये तो इन दोनों दीवारों के बीच में ये बार लगा के रखे इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे बीच में फोर्स पी लगा रहा है, अब मैं कितना भी फोर्स लगाऊं ये इस दीवार को तोड़ के नहीं जा सकती ना, इस दीवार को तोड़ के थोड़ी जाएगी बीम, तो इसलिए दोनों का डिफ्लेक्शन ऐड कर देंगे, डेल्टा एल वन माइनस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कंप्रेसिव था, यहाँ पे बार की जो साइज है ना वो यहाँ ओरिजिनल से घट जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें ये फोर्स लगा हुआ था तो इसमें बार की साइज बढ़ेगी। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, दो कंडीशन होगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी, डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू, क्यों, क्योंकि डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू इज इक्वल टू जीरो था, और मैंने बताया था ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अब आप इसमें कुछ भी डालो, स्ट्रेसेस का रिलेशन निकालो, कुछ भी निकालो, आप इसमें आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अभी आ जाओ क्वेश्चन पे, तो ये निकाला था, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि डेल्टा एल वन इज इक्वल टू डेल्टा एल टू, और ये डेल्टा एल वन के लिए आर ए यूज करेंगे, आर ए एल, आर बी एल, अब आपको लेंथ अलग अलग दे के रखेगा, लेंथ रख दो, ई रख दो, ए रख दो, लेंथ, आर ए और आर बी में एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर टू से आर ए एंड आर बी में एक रिलेशन जनरेट हो जाएगा, उसको यहाँ लगा दो, उसको यहाँ लगा दो, पी दे के रखेगा, एक बार आर ए आ गया आर बी निकाल दो, फिर आप स्ट्रेसेस निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में देखो भाई ये केस थ्री है, इसमें क्या होता है कि इसको एक साइड में उसने फिक्स करके रखी है, यहाँ पे इसने दीवार के अंदर दोनों साइड से फिक्स करके रखी थी,
तो हम फोर्स पी लगा रहे थे बीच में, तो वो रिजिड बार होने के कारण डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा था अल्टीमेटली। आप एक चीज़ का ध्यान रखो, फोर्सेस का सम डिफ्लेक्शन का सम जीरो कर दो, मतलब आप क्या करने कर रहे हो अल्टीमेटली इसको बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। हम मैकेनिक्स में नहीं करते इक्विलिब्रियम में, वैसे कर रहे थे यहाँ पे कि जो टोटल फोर्सेस लगे हुए थे ना, तो ये बार स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, तो टोटल फोर्सेस का सम जीरो कर दिया था, इसी के कारण ये आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी आया था। टोटल डिफ्लेक्शन का सम जीरो कर दिया था, इसी के कारण ये आया था, और मैंने आपको बता भी दिया कैसे आया था। उसके बाद आती है केस नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या लगाया कि ये बार एक अलग डायमीटर की, फिर एक बार एक ये बार ऐसे लगा के पी लगा रखा है इसने, अलग अलग डायमीटर की बार्स है। अब यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन पूछेगा कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ओ बताओ मुझे, तो इसका डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन, इसका डिफ्लेक्शन तीनों का जोड़ देंगे। डिफ्लेक्शन इसमें हमेशा फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट मिलेंगे, डिफ्लेक्शन ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड विद रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। अब आपको सपोज दैट वो यहाँ डिफ्लेक्शन पूछ लेता है यहाँ, तो आपको क्या करना है ना, आपको इस पॉइंट के यहाँ के रेस्पेक्ट में ये बार कितनी आगे खिसकेगी वो आपको बताना है खाली, ठीक है। यानी डिफ्लेक्शन हमेशा, और अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हुए चलोगे तो देखो ऐसे बनेगा, पी पी लगा दो, फिर पी को टेंशन में, वो सेम बात, इस प्लेन पे आ जाओ, यहाँ टेंशन में लगा हुआ था, यहाँ लगा दो, फिर इसी प्लेन पे कितना लगा हुआ था, टू पी लगा हुआ था, ये टू पी लगा दो, टोटल कितना हो जाएगा, थ्री पी हो जाएगा, ये टू पी, ये पी था, टोटल थ्री पी हो जाएगा। अब ये थ्री पी इधर था, अब ये लगा के ये थ्री पी इधर लगा दो, और इसी प्लेन पे पहले से थ्री पी लगा हुआ था, टोटल सिक्स पी हो जाएगा। इसका इनका इंडिविजुअली आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। इंडिविजुअली डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके टोटल डिफ्लेक्शन जोड़ देंगे तो ओ पे डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो कितना है। ये ओ ओ प्लेन है, यानी यार देखो सीधी सी बात है कि ये कितनी बड़ी, ये इसको खींचा तो ये कितनी बड़ी, ये इसको ये खींचनी बड़ी, ये कितनी बड़ी, ऐसे है, ठीक है ना। ये सारी जब सारे सारों का जब जोड़ देंगे ना हम सारों का जब जोड़ देंगे हम तो हमारा टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और उसको फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ पे किसी भी पॉइंट में डिफ्लेक्शन पूछ सकता है आपको, ये बोल देगा कि ए बी पे डिफ्लेक्शन बताओगे कितना है, तो आप खाली डेल्टा एल वन का डिफ्लेक्शन बताओगे, ठीक है, और वो फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताना है, कोई भी डिफ्लेक्शन आपको फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में बताना है, ठीक है। उसके बाद में देखो ये, उसके बाद में ये केस सेम सा ही है। अच्छा ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। ये क्या करके रखी है इसने, ठीक है, इसने क्या करके रखी है कि ये बार है, इसको दीवार में लगा रखी है, ये ऐसे कर रखा है, और ये पी लगा रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि वो डिफ्लेक्शन ओ ओ पे पूछ रहा है, ओ ओ पे बार कितनी डिफ्लेक्ट होगी, तो आप कैसे निकालोगे। आप बोलोगे कि इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा हुआ, इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगा हुआ, तो इस पे डिफ्लेक्शन कैसे। अरे भाई इस पे तो लगा हुआ है फोर्स, जब ये खिंच के थोड़ी सी आगे बढ़ेगी तो ये साथ साथ अपनी आगे वाले को बढ़ाएगी ना, तो अल्टीमेटली ये यहाँ से यहाँ आ जाएगी, समझ रहे हो बात को। तो जितना डिफ्लेक्शन इसका इस पे होगा ना, इस पे ए बी पे सपोज दैट, उतना का उतना ही डिफ्लेक्शन ओ ओ पे होगा। क्यों क्यों होगा ऐसा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको पकड़ के खींच रहा हूँ इस वाली को खाली, तो जब इस वाली को खींचूंगा तो ये वाली यहाँ जाएगी, और इसके आगे वाली जो जुड़ी हुई है ना वो थोड़ी सी और आगे खिसक जाएगी। बस आपको इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली आप डायरेक्टली पी एल अपॉन ए ही लगाओ यहाँ पे, इस बार के लिए निकालो इसका डिफ्लेक्शन, तो ये यहाँ से यहाँ इतनी खिसकेगी उतनी की उतनी ही आगे वाली खिसके, क्योंकि यहाँ पे अभी फोर्सेज कुछ लगे नहीं है। अगर फोर्सेज लगे तो इसका खुद का अपना कोई एक अलग से डिफ्लेक्शन होता, फिर दोनों को जोड़ के हम करते, बट यहाँ इस पे इसका खुद का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका खुद का कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, तो खाली जो फर्स्ट बार है ना उसके डिफ्लेक्शन से ही हम पता कर लेंगे कि कितनी आगे जाएगी, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद में केस नंबर फाइव, देखो केस नंबर फाइव क्या है ना, ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है कि एक बार है, एक छोटी बार और है, इन्होंने पी लगा रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इसी बार को ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में एक दीवार है, अब ये भाई साहब क्या बोल रहा है कि पी से खींचा और ये छोटा सा गैप है, अब बताओ स्ट्रेस कितना जनरेट होगा। अब मेरे भाइयों सुनो,
एक बात को सुनो आप, पहले सबसे पहले आप इसका डिफ्लेक्शन चेक करना ओनली वन का, फर्स्ट चेक द गैप, ठीक है ना। अगर गैप मान ले पॉइंट वन हुआ, अगर गैप मान लो पॉइंट वन हुआ और ये तो डिफ्लेक्ट हुई है 0.05 ही, तो क्या कोई स्ट्रेस जनरेट होगा इन बार में किसी में भी? नहीं, कोई भी बार में कोई, जब तक हम उसको रोकेंगे नहीं डिफ्लेक्शन होने से, हमारा स्ट्रेस कैसे जनरेट हो सकता है? ठीक है, समझ रहे हो आप? जब यहाँ पे ये सर्टेन डिफ्लेक्शन से छोटी पड़ जाएगी, तो ये जो बार है ना, ये छोटी वाली, इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना। ये खाली मूव होगी, ये खाली मूव होगी। हाँ, इस वाली में, ये वन में स्ट्रेस जरूर जनरेट होगा, वन में स्ट्रेस जरूर जनरेट होगा। क्यों? यहाँ पे ये रिजिड ऐसे पकड़ी हुई है, इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है जनरेट होगा इसमें। बट टू वाली में ये जो छोटा टुकड़ा है, इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, नो स्ट्रेस। अगर वो गैप हमारे जो डिफ्लेक्शन यानी इसके डिफ्लेक्शन से बड़ा है, तो ये ध्यान रख लो, फर्स्ट गैप को चेक करो। अगर वो गैप हमारे अगर वो गैप हमारे डिफ्लेक्शन से बड़ा है, तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा इस बार में, ठीक है। अगर मान लो वो गैप छोटा रह जाता है, डायरेक्टली ये लगा दो RA + RB = PRAL, डायरेक्टली लगा दो, फिर आपका रिजिड जैसा केस हो जाता है, रिजिड जैसा केस हो जाता है, ठीक है, ओके, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाता है ना, ये रिजिड जैसा केस हो जाता है, फिर हम ये डायरेक्टली ये लगा सकते हैं, जैसे कि हम पहले ये लगा रहे थे, यहाँ पे P लगा के दोनों साइड से रिएक्शन जनरेट करके कर रहे थे ना, तो फिर इसमें हम ये कर सकते हैं, डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक है ना, ओके। और RA + RB = P करेंगे, RAL / AE, RBL / AE करेंगे, एंड रिलेशंस आ जाएंगे और अपन बता देंगे इजीली, ठीक है। तो ये तीन केसेस थे, इन तीन केसों, सॉरी टोटल कितने, फाइव केसेस हो गए। इनमें मेरे को लगता नहीं कोई डिफ्लेक्शन निकालने, अच्छा देखो एक बात ध्यान रखना, अभी से ये सीख लो कि डिफ्लेक्शंस का सम अगर रिजिड बार है तो इक्वल टू जीरो होगा, एंड फोर्सेस का इक्विलिब्रियम, सेम टू सेम हम टोर्सन में करेंगे, ठीक है, इसको अभी से सीख लो। मैं टोर्सन का इसका कंपेयर करके बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, इसके बाद में थर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो ठीक है, बताना मुझे, बाकी दूसरी चीज़ मैं और डालता हूँ, ओके।